दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी राष्ट्रीय राजनीति के साथ साथ बिहार की राजनीति में भी काफी दिलचस्पी रखते हैं। मनोज तिवारी ने बिहार को लेकर भी कई सवालों के जवाब दिए। पीएम को लेकर एक सवाल पर उन्होंने कहा कि 2012 में जब नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी का डिनर कैंसिल किया तो हम जैसे बिहारियों को चुभ गया, तो उस समय बिहार 100 साल का हुआ था। मनोज तिवारी ने कहा कि बिहार 100 साल का हुआ था तो हम लोगों ने गुजरात में बिहार शताब्दी समारोह किया, नरेंद्र मोदी को चीफ गेस्ट बनाया। वहीं उस समय तक लगने लगा था कि मोदी पीएम कैंडिडेट हो सकते हैं। उस समय नरेंद्र मोदी बहुत सम्मान दिए, जबकि राहुल गांधी हमारे बगल ही थे अमेठी में, लेकिन कभी भी नहीं बुलवाया। नीतीश कुमार की विपक्षी एकता पर मनोज तिवारी ने कहा कि ये सब अपना अपना भ्रष्टाचार बचाने के लिए लड़ रहे हैं, अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहे हैं। ये सब जनता के लिए नहीं लड़ रहे, जनता के लिए बीजेपी लड़ी है और हमेशा लड़ेगी। वहीं उन्होंने बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ने को लेकर बताया कि मुझे कहा गया था बक्सर से चुनाव लड़ोगे, उस समय नितिन गडकरी दिल्ली के प्रभारी थे, वही हमें पार्टी ज्वाइन कराए थे। जब चुनाव आया तो सुषमा स्वराज का फोन आया था। 2024 लोकसभा चुनाव अपने गृह क्षेत्र बक्सर से लड़ने के सवाल पर मनोज तिवारी ने कहा कि नहीं, अब तो सोचना ही नहीं है, जीवन में तो अब दिल्ली ही है। वहीं 2024 और 2025 चुनाव को लेकर बीजेपी के प्लान पर उन्होंने कहा कि आधा प्लान तो हम लोग करते हैं, आधा प्लान तो विपक्ष खुद ही कर लेता है। अपने हारने का अपनी बोली से, अपने आचरण से देश को गाली देकर, देश की जनता को पता है कि कौन 48 करोड़ जनता को पहली बार बैंक से जोड़ा, कौन है जिसने 11 करोड़ घरों में पहली बार शौचालय बना कर दिया। दिल्ली भाजपा प्रदेश संगठन को मजबूती देने के लिए लगातार बैठक कर रही है, साथ ही पार्टी विस्तार में भी कार्यकर्ता जुटे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को भाजपा में शामिल किया गया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा व सांसद मनोज तिवारी की उपस्थिति में आपके पूर्व जिलाध्यक्ष बलराम झा, पूर्व निगम प्रत्याशी पूनम बलराम झा, प्रतिभा झा, राम प्रकाश शर्मा, संजय कुमार समेत अन्य समर्थकों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता खुद को ठगा महसूस करता है, कार्यकर्ताओं की बोलने की आजादी छीन ली गई है। सवाल ये भी है कि आज जो पूरी दिल्ली को ठग रहा है वो अपने लोगों को भी ठग रहा है। भाजपा जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को लेकर अभी चल रही है उसे अंजाम तक पहुंचा कर रहेगी। वहीं सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि भाजपा की लड़ाई दिल्ली में एक ऐसी पार्टी के खिलाफ है जो झूठ और जनता को धोखा देकर सत्ता पर काबिज हो गई है। अब एक एक भ्रष्टाचार सामने आ रहा है और लोगों के साथ केजरीवाल दिल्ली के भविष्य के भी शत्रु हैं। बलराम झा के भाजपा में शामिल होने से हर उस आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता को राहत मिली होगी जो खुद को ठगा महसूस करते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।